नमस्कार, आपका स्वागत है। अपन झारखंड में, मैं हूं आपके साथ शमा सोहेल। तो खबरों की शुरुआत करेंगे लोहरदगा की खबर से, जहां पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। मौके से 2 AK-47 बरामद किए गए हैं। पप्पू लोहरा दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। इलाके में पुलिस का सर्च अभियान जारी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए, मौके से 2 AK-47 भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पप्पू लोहरा दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और अभियान, सर्च अभियान पुलिस अभी भी चला रही है। तो जंगल में जेजेएमपी और लोहरदगा पुलिस एवं लातेहार पुलिस के संयुक्त अभियान में पुलिस मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि प्राप्त सूचना के मुताबिक 3 लोग इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और 2 AK-47 जो है उसमें चोरी हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ लोहरदगा से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जेजेएमपी उग्रवादी के 3 उग्रवादी हैं, वो मारे जाने की खबर आ रही है, क्या है पूरा मामला, किस सूचना पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था? बता दूं कि आज प्रियदर्शी आलोक को यहाँ पे लोहरदगा में सूचना मिली थी कि जेजेएमपी जो संगठन है वो वर्चस्व को लेकर के पिसरार थाना क्षेत्र के सहदा पार्ट में घूम रही है। इसी को लेकर के सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दरमियान 3 बजे के आसपास पुलिस और जेजेएमपी नक्सली संगठन के साथ में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। नक्सली संगठन के 1 को गोली लगी है, जिसका बॉडी अभी तक नहीं मिल पाया है, और 2 AK से जो बंदूक है वो बरामद हुआ है। प्रियदर्शी आलोक जो है वो अपने दल बल के साथ यहाँ से मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में सीआरपीएफ की जो टीम है वो भी यहाँ से जो घटना स्थल वहाँ पर के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोहरदगा पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादी में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए हैं और घटनास्थल से 2 AK-47 भी बरामद किया गया है।